फीट्स की बीमारी जिसे है, वो लोग अकेले जब मोटरसाइकिल पर बाहर निकलते हैं तो इस तरह के हादसात उनके साथ हो रहे हैं, उनकी जान चली जा रही है। तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि वो रिस्की काम कर सकते हैं कि नहीं, लाइक ड्राइविंग, नहीं तो स्विमिंग और आग के पास जाना, ये सब रिस्की काम। और जब भी ये ऐसे जो फीट्स के जो पेशेंट्स होते हैं, ये जब सड़क पर गिर जाते हैं तो कई सारे लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इसको किस तरह से हैंडल करें। बहुत गलत फहमे रहते हैं एपिलेप्सी के लेकर के, लेडीज शादी नहीं करना और बच्चे नहीं होते, ये सब गलत है। हमारी फीट्स की बीमारी रहने के बाद भी जो है अल्कोहलिक होते हैं, ड्रिंक करते हैं या टोबैको खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं, बाइक की हो या कोई ऐसा लोहे का सामान हो जो उनके हाथ में देते हैं, बताया जाता है कि उससे भी उनको जो है ना राहत मिल सकती है। कहाँ तक सही है ये? आज इस इंटरव्यू में हमारे साथ डॉक्टर अविनाश आला शेट्टी सर मौजूद हैं, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हैं। आज इस इंटरव्यू में हम लोग मिर्गी की बीमारी के बारे में बात करेंगे, जिसे एपिलेप्सी भी कहा जाता है और फीट्स भी इसे कहा जाता है। अक्सर गुलबर्गा में तकरीबन एक महीने से हम लोग देख रहे हैं कि कई 2 से 3 ऐसे नौजवानों की डेथ हुई है मिर्गी की बीमारी होने की वजह से। वो मोटरसाइकिल पर गुजरते वक्त या कुछ बाज़ार में ख़रीदारी करते वक्त वो अचानक से उनको फीट्स होने की वजह से वो गिर जा रहे हैं और उनकी अचानक वहीं पे रोड पर डेथ हो जा रही है। तो इस वजह से आज हम लोग बात करेंगे कि क्या वजह है इस तरह से अचानक फीट्स आना, ये इस तरह से वो लोगों को किस तरह से महफूज अपने आप को रखना चाहिए। जब भी वो ख़रीदारी करने के लिए बाहर जाते हैं या मोटरसाइकिल पर कहीं निकलते हैं, तो ज़रूरी है हर इंसान को किसी ना किसी काम से बाहर निकलना बेहद ज़रूरी होता है। जो फीट्स की बीमारी जिसे है, वो लोग अकेले जब मोटरसाइकिल पर बाहर निकलते हैं तो इस तरह के हादसात उनके साथ हो रहे हैं, उनकी जान चली जा रही है। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर अविनाश सर से। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का इस एक्सक्लूसिव लाइव सेशन में वेलकम करता हूं। सर, मैं चाहूंगा, आप किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं हैं, तमाम लोग आपको जानते हैं, तकरीबन लोग इस वीडियो में जो देख रहे हैं, मैं ख्वाहिश करूंगा कि जो लोग आपको नहीं जानते उनको आप अपना तारुफ कराएँ, अपने लिए इंट्रोड्यूस कराएँ अपने तालुक से। नमस्ते, मैं डॉक्टर अविनाश अलशेट्टी हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट कंसल्टेंट, न्यूरो डीएम न्यूरोलॉजिस्ट। मैं इधर मनोर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा क्लिनिक अपोजिट बिग बाज़ार है, अलशेट्टी न्यूरो क्लिनिक। तो मैं आके अभी एक वन ईयर हो गया अभी तो स्टार्ट कर। तो आजकल हम बहुत एपिलेप्सी पेशेंट्स भी देख रहे हैं इधर, जो जैसे आपने कहा कि ऑन रोड आपने देखा है बहुत, तो एक कॉमन है जो भी एपिलेप्सी पेशेंट्स हैं उनको केयरफुल रहना के चाहिए, उन्होंने ड्राइविंग नहीं करना, बट फिर भी उन्होंने अगेंस्ट द एडवाइस अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो ऑन द स्पॉट अगर फिट्स आया तो वो रिस्की हो सकता है, वो लाइफ के लिए रिस्की हो सकता है। सर देखिए, आप सजेस्ट करते हैं पेशेंट को ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन कई ऐसे पेशेंट हैं जो उनको काम पर जाना ज़रूरी होता है, वरना घर उनका जो है ना जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं, तमाम घर की घर चलाना होता है, वो लोग मजबूरन घर से बाहर निकलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या प्रिकॉशंस उनको लेना चाहिए, क्या मेडिसिन साथ में रखना चाहिए, किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं इस तरह से इंसिडेंट होने पर? नहीं, ये एपिलेप्सी बीमारी के बहुत सारे काउजेस रहते हैं, कारण बहुत अलग अलग रहते हैं। तो हर पेशेंट को अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि वेदर कि उन्होंने अपने टैबलेट्स रेगुलरली कौन से डोज में ले रहे हैं, क्या टाइम पे ले रहे हैं, और उसके साथ वो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि वो रिस्की काम कर सकते हैं कि नहीं, लाइक ड्राइविंग, नहीं तो स्विमिंग और आग के पास जाना, ये सब रिस्की काम है। यूजुअली हम ऐसे पेशेंट्स को एडवाइस नहीं करते। अगर पेशेंट का एपिलेप्सी बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल है टैबलेट्स पे तो, और बहुत साल से उनको एपिलेप्सी नहीं है, तो वो कर सकते हैं बट अंडर सुपरविजन। अगर उनको जाना ज़रूरी है, काम पे जा सकते हैं बट ड्राइविंग करते वक्त उनके साथ कौन और रहना चाहिए, नहीं तो उन्हों बैक सीट पे बैठ के निकलना चाहिए। तो ये तो मिनिमम उन्हों दे हैव टू फॉलो करना चाहिए। अगर अच्छा कंट्रोल है तो अंडर सुपरविजन वो काम कर सकते हैं, बट अगर कंट्रोल नहीं है तो ये करना डेफिनेटली रिस्की है। वजह क्या है, रीज़न क्या है सर, ये एपिलेप्सी बीमारी होने की रीज़न क्या है? कई सारे जो यंग बॉयज़ हैं, बच्चे, लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, तमाम लोगों में ये बीमारी ज़्यादा देखी जा रही है, तो इसकी वजह क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से इसकी ये पैदा होती है बीमारी लोगों के जिस्म में? तो एपिलेप्सी सर ये एक ब्रेन का डिसऑर्डर है, जो ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट में थोड़ा गड़बड़ हो जाने से ये बीमारी आ सकता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं यूजुअली, तो बचपन से लेके ओल्ड एज तक सबको आने का चांसेस है, और सब हर एज में इसके कारण बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे बचपन में
कुछ ब्रेन इंसल्ट हो गया डिलीवरी के टाइम, नहीं तो कुछ ब्रेन इन्फेक्शन हो गया वो भी हो सकते हैं, नहीं तो कुछ जेनेटिक कॉजेस रह सकते हैं जो पारंपरिक को आ जाते हैं। और ओल्ड एज में क्या होता है उसके कारण बहुत अलग रहते हैं। एक हेड इंजरी, जैसे रोड एक्सीडेंट हो गया, नहीं तो कुछ सर पे चोट लग गया, नहीं तो ब्रेन कैंसर भी हो सकता है, और स्ट्रोक, ब्रेन इन्फेक्शन, ये सब बहुत अलग अलग नमूने के कारण होते हैं। तो हर पेशेंट के बचपन से लेके अलग अलग होते हैं, तो उनके हिसाब से ट्रीटमेंट थोड़ा अलग अलग भी होता है। तो एपिलेप्सी में बहुत अलग टाइप्स भी होते हैं, फोकल एपिलेप्सी, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी बोल के अलग अलग नमूने के होते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट अलग अलग हो। तो पर्टिकुलरली आपको क्या प्रॉब्लम है, कब का एपिलेप्सी का क्या कारण है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक करेक्ट ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है सर ये कंडीशन में डेफिनेटली। और हम देखते हैं कि लेडीज़ में भी एपिलेप्सी है, और कई सारे मिथ्स यानी मिसबिलीफ्स भी रहते हैं, बहुत गलत फहमियाँ रहते हैं एपिलेप्सी के लेकर के, लेडीज़ शादी नहीं करना और बच्चे नहीं होते, ये सब गलत है। वो कर सकते हैं बट अंडर विद कंसल्टेशन, डॉक्टर को करेक्ट ट्रीटमेंट एडवाइस लेके कौन सा उनको प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट सूट होता है वो हिसाब से उन्होंने दे कैन कंटिन्यू कर सकते प्रेगनेंसी। सो इतने सारे अलग अलग नमूने के फिट्स होते हैं और अलग अलग टाइप्स के होते हैं और कॉजेस अलग अलग, तो सबका अलग अलग ये रहता है। तो उनके हिसाब हाँ ट्रीटमेंट अलग रहता है और प्रोफाइल भी अलग रहता है। तो उनको क्या सूट होता है देख के ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद एन एक्सपर्ट दे कैन कंटिन्यू टेकिंग ड्रग्स, और उनको कैसा लाइफ स्टाइल कैसे फॉलो करना वो सब इम्पोर्टेंट है। कितने साल तक इसकी बीमारी का ट्रीटमेंट चलता है सर, कहाँ तक जाकर ये ठीक हो सकती है, कितने महीने लगेंगे, कितने साल लगेंगे, क्या प्रोसीजर होता है इसका? वही सर, एज मैं जब मैंने बोला कि अलग अलग टाइप के फिट्स रहते हैं तो सबका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी अलग अलग रहता है। हाँ, अगर थोड़ा ट्रीट होने के कंडीशन है, अगर स्ट्रोक है और कुछ इन्फेक्शन है तो हमको थोड़े दिन देते हैं, फ्यू मंथ्स फ्यू वीक्स देते हैं। अगर उनको जेनेटिक है, बच पैदाइशी थोड़ा थोड़े लोगों का आता है, तो उनको बहुत साल तक कंटिन्यू करना पड़ता है, मिनिमम 2 इयर्स 3 इयर्स तो हम अंडर सुपरविजन कंटिन्यू करना पड़ता है। उसके बाद हम हल्लू बहुत सारे टेस्ट करने के बाद हम डिसाइड करेंगे उनको स्टॉप करना है, और स्टॉप करें तो भी कैसा हल्लू स्टॉप करना है, ये सब वो बाद में डिसाइड करते हैं। बट थोड़े कंडीशंस के क्या है ट्रीटमेंट वो शॉर्ट टर्म रहते हैं, एक 4 हफ्ते ले सकते हैं, 6 हफ्ते 6 महीने तक भी लेके बंद कर सकते हैं। तो कॉस्ट पे डिपेंड होता सर। ओके, हमने ये भी सुना है कि जिस तरह से आपने बताया लॉन्ग टर्म इसके टैबलेट्स लेना पड़ता है पेशेंट्स को, तो साइड इफेक्ट्स के डर से जो है ना कई पेशेंट ऐसे हैं जो टैबलेट्स नहीं लेते हैं और उनको इस तरीके के हादसों से भी जो गुजरना पड़ता है। करेक्ट सर, वो भी करेक्ट है, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं बहुत सारे टैबलेट्स से, 8-10 नमूने के टैबलेट्स होते हैं, हर एक टैबलेट का अलग अलग साइड इफेक्ट होता है। अगर 1 सेकंड नहीं कंट्रोल हो तो और एक टैबलेट ऐड करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम भी है डेफिनेटली, नहीं है बोल के नहीं है। तो अगर उनको साइड इफेक्ट्स तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर उनको सेफ्टी प्रोफाइल, उनका सब प्रोफाइल, लेडीज़ है, प्रेगनेंसी है, एज क्या है, वो सब देख के, और कुछ अलग ड्रग्स ले रहे हैं, ये सब देख के हम उनको एक सूटेबल जो भी उनको सूट होता है वो टैबलेट स्टार्ट करते हैं। अगर वो टैबलेट से बाय चांस बाय अनलक से थोड़ा स्टार्ट हो गया कुछ भी साइड इफेक्ट्स, तो इमीडिएटली आप आके अपने डॉक्टर को बोलना है। तो हम अगर फिर उसको डोज मॉडिफाई करते हैं, नहीं तो टैबलेट चेंज करने का सब है, बहुत बेस्ट ड्रग्स भी है। थोड़े ओल्ड ड्रग्स थे जिनके साइड इफेक्ट ज़्यादा है, अभी नए नए ड्रग्स भी आए हैं जिनके साइड इफेक्ट्स कम है, तो वो भी ले सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली होंगे बट गवर्नमेंट अगर हेल्प किए तो उनको भी अच्छा बेनिफिट रहता है। कई ऐसे पेशेंट होंगे आपके पास भी, हमने भी ऐसे देखे हैं जो ये बीमारी फीड्स की बीमारी रहने के बाद भी जो है अल्कोहलिक होते हैं, ड्रिंक करते हैं या टोबैको खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं, तो ऐसे पेशेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या उनसे ज़्यादा इसको अफेक्ट होगा, क्या नुकसान हैं उनके लिए? डेफिनेटली सर, अल्कोहल एक रिस्क फैक्टर है फीड्स का, एक सेपरेट रिस्क फैक्टर है। तो अल्कोहल जो कंटिन्यू अल्कोहल पीते रहते हो, सडनली छोड़ दे, उनको भी फिट्स आने के चांस रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट भी बहुत केयरफुल, ऐसे पेशेंट को भी हम यूजुअली थोड़ा शॉर्ट टर्म एंटी ड्रग्स स्टार्ट करते हैं। तो जो भी एपिलेप्सी फिट्स पेशेंट हैं डेफिनेटली उन्हें अल्कोहल कंज्यूमशन नहीं करना है, स्ट्रिक्टली उन्हें बंद करना अल्कोहल। और ऐसे पेशेंट्स स्ट्रेस टेंशन भी नहीं लेना है, और करेक्ट स्लीप, एडिक्वेट स्लीप करना है, 7 से 8 घंटा नींद बराबर करना है। अगर नींद कम हो गए तो भी फिट्स आने के चांस रहते हैं। तो क्या देखते हैं हम यूजुअली अल्कोहल करने के बाद वो इधर ड्राउजी होके कहाँ गिर जाते हैं, तो उधर रोड में फिट्स आने के चांस भी रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत केयर देना पड़ता है वो। देखिए, और जब भी ये ऐसे जो फिट्स के जो पेशेंट्स होते हैं, ये जब सड़क पर गिर जाते हैं तो कई सारे लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इसको किस तरह से हैंडल करें, वो पेशेंट के करीब जाने के लिए भी डरते हैं। तो क्या पब्लिक को करना चाहिए जब उनके बीच में कोई ऐसा एक पेशेंट गिर जाए, तड़पता रहे, को तकलीफ हो रही हो,
तो उस वक्त लोगों को किस तरह से वो उस चीज़ को, सिचुएशन को हैंडल करना होगा? ठीक है, ये एपिलेप्सी तो एक इमरजेंसी है, अगर सडनली आ गया तो इट इज़ डेफिनेटली इमरजेंसी है। तो पेशेंट्स और पेशेंट केयर गिवर्स और कॉमन लोगों में भी अवेयरनेस होना चाहिए कि अगर एपिलेप्सी हो गया, फिट्स आ गया बीच सड़क में, तो क्या फर्स्ट एड मेजर्स क्या है। तो ऐसे पेशेंट को इमिडिएटली लोगों में क्या है, पेशेंट को एक सेफ प्लेस पे ले जाना है, पास में कहाँ भी, अगर सेफ बी ट्री के नीचे तो कहाँ, तो सेफ प्लेस पे, रोड में नहीं हो सकता। और पेशेंट को एक साइड में लेटाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वॉमिटिंग होकर एस्पिरेशन होने के चांस भी रहते हैं। तो इमिडिएटली सेफ, अगर फिट्स कंटिन्यू हो रहा है 5 मिनट्स के ऊपर, तो इमिडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। और प्रेग्नेंट पेशेंट है और फिट्स आ रहा है तो इमिडिएटली हॉस्पिटल लेना, नहीं तो 5 मिनट्स के अंदर कम हो गया तो पेशेंट थोड़ा सेटल होने के बाद उनको फिर से कंसल्टेशन के लिए ले जाना पड़ता है। अगर बहुत कंटिन्यू बार बार आ रहा है, नहीं तो 5 मिनट्स से ऊपर आ रहा है, तो इमिडिएटली उनको एम्बुलेंस में बुलाकर हॉस्पिटल लेना जाना बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं तो ज़्यादातर रोड पे कुछ करने में डिफिकल्ट है, ओनली उनको क्या कर सकते हैं, सेफ प्लेस ले जाने के, प्लेस सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट। लोहे के सामान हम उनके हाथों में थमाते हुए लोगों, कई लोगों को देखा है कि कहीं बाइक की हो या कोई ऐसा लोहे का सामान हो जो उनके हाथ में देते हैं, बताया जाता है कि उससे भी उनको जो है ना राहत मिल सकती है, कहाँ तक सही है ये भाई? सर, ये ऐसा एक पहले से अगर एक गलत फहमी आ रहा है, ऐसा वो देने से कुछ कम नहीं होता, फिट्स अगर नॉर्मल कुछ कॉज नहीं है तो अपने आप कम हो जाएगा, बट कंटिन्यू होके सर को चोट लग गया, कंटिन्यू हो रहा है तो हॉस्पिटल लेना पड़ता है। ये जो आयरन रॉड देने का है यूजुअली गलत है, तो बहुत लोग प्रैक्टिस करते हो, पहले से चलते आ रहे हैं, बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता यूजुअली। तो डेफिनेटली बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपके ज़रिए इस वीडियो में लोगों को मिल रही होंगी, तो मैं और भी आपसे जानना चाहूँगा, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगे लोगों को, जो लोग नहीं जानते हैं इस बीमारी के ताल्लुक से? ठीक है, फर्स्ट तो आप, अगर आपको फिट्स है, ये एपिलेप्सी बोल के आपको डायग्नोज हुआ है, तो आपको फर्स्ट क्या करना है, टैबलेट्स रेगुलरली लेना है। आपका टैबलेट्स आपके डॉक्टर से कंसल्टेशन करके जब तक आपके डॉक्टर बोलते हैं वो कंटिन्यू करना है। अगर अपने आप से, अपने आपके मर्जी से टैबलेट्स कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ऑलवेज ऑन द एडवाइस ऑफ एन एक्सपर्ट, ये आपको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। अगर आपको कुछ और बीमारी हो गया तो और कुछ और टैबलेट्स ले रहे, तो भी आपको डॉक्टर से और एक बार कंसल्ट करना चाहिए कि वो मेडिसिन से ये ड्रग्स इंट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, फिर डोज कम ज़्यादा होने से भी इफेक्ट हो सकता है। और एक चीज़ क्या है, अगर प्रेग्नेंट लेडी हो गए, अगर कुछ यंग फीमेल एपिलेप्सी है उनको टैबलेट्स ले रहे हैं, अगर बाई चांस प्रेग्नेंट हो गए, पहले अगर प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं तो डॉक्टर से बोलना चाहिए, तो उसके हिसाब से डॉक्टर टैबलेट और डोज एडजस्ट करते हैं। अगर बाई एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो गया तो इमिडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना, वो टाइम पे भी टैबलेट्स चेंज करना ये होगा इम्पोर्टेंट है। और अगर दूसरे मिथ्स भी है वो भी क्लियर करना है, तो पेशेंट को रेगुलर टैबलेट लेना है एज़ पर डॉक्टर कंसल्टेशन, यही सब फॉलो करना है सर। और ऐसे पेशेंट्स डेफिनेटली तनाव में नहीं रहना चाहिए, अल्कोहल कंजम्पशन अवॉइड करना चाहिए, और अगर फीवर आ गया तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है कौन सा टैबलेट लेना है कि नहीं। और रेगुलर ड्राइविंग यूजुअली हम अवॉइड करते हैं, ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, स्विमिंग और फायर के पास जाना, ये सब प्रिकॉशंस यूजुअली हम फैमिली मेंबर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से अभी आपने कहा उनको दिमागी जहनी टेंशन नहीं होना चाहिए, घरों में जब फैमिली लोग होते हैं, छोटी छोटी बात पर जब तनाव होता है घरों में, तो उनको किस तरह से ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करना होगा घरों में फैमिली मेंबर्स के लिए? तो यूजुअली देखते हैं कि एपिलेप्सी पेशेंट्स को साथ में थोड़ा मूड डिसऑर्डर भी रहता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन भी स्टार्ट हो जाता है, और अगर उनको पर्सनल टेंशन है वो ऐड हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटली और फिजिकली दोनों। अगर टैबलेट मिस हो गया तो इमिडिएटली उनको याद दिला के देना है, अगर टैबलेट न खत्म हो गया तो इमिडिएट लाने का, ये सब फैमिली का यूजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। और थोड़े क्या है, एपिलेप्सी पेशेंट्स मेंटली उतना स्ट्रांग भी नहीं रहते, और मेंटली थोड़ा उनको पावर भी कम रहता है, ऐसे पेशेंट्स भी रहते, तो उनको फैमिली मेम्बर्स सपोर्ट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऐसा फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टैबलेट्स और डेली केयर में, अगर पेशेंट थोड़े पेशेंट्स को डेली एक्टिविटीज़ करने में तकलीफ है, तो वो तरह भी फिजिकली और मेंटली फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत थैंक यू सर। गुलबर्गा हेडलाइंस के इस एक्सक्लूसिव सेशन में आपने अपना कीमती वक्त देकर लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि एपिलेप्सी जो डिसीज़ है, जो बीमारी है, जिसको मिर्गी की बीमारी भी कहा जाता है, उससे कई लोग परेशान हैं, कई लोग इसे सफ़र कर रहे हैं, कई लोगों को हमने सड़कों पर गिरकर मौत के करीब जाते हुए देखा है। तो इस तमाम चीज़ों पर काफ़ी कुछ जानकारी आपने हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाई है, मैं अविनाश सर का इसके लिए थैंक्स कहता हूं, और तमाम व्यूवर्स से ये ख्वाहिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कि
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से कई लोगों को मिल सकती है।